इस बार अगर हैदराबाद करेक्ट टाइम पर लोड नहीं पहुंचा तो एक एक को पकड़कर काट डालूंगा। जा देगा भाई। अच्छा भाई कौन है भैया? यही है भाई, चौपाल का व्यापारी कृष्णा। इस चौपाल के व्यापारी को बोला कि टैक्स भरो तो हमको रुबाब दिखा रहा है भाई, आप ही बात करो इससे। तूने ऐसा क्यों कहा? हमारे भाई के बारे में नहीं पता? गया बे। यही है भाई, टैक्स भरने को बोला तो बोलता है कि मैं नहीं भरूंगा। क्यों बे? तो टैक्स क्यों नहीं भर रहा है? जिंदा नहीं रहना है क्यों? आपको टैक्स क्यों देना है? अगर ऐसे कष्ट दोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे, किसी ना किसी दिन तुम्हें सबक मिलेगा। भगवान? यहां पर भगवान के सारे काम मैं ही फिक्स करता हूं। भगवान के पास जो भी काम आता है वो सीधा मेरे पास आता है। यहां भगवान मेरी आंखों में ही बसे हैं। तुम बहुत अच्छे हो ना, तो भगवान तेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अभी मैं तुझे जान से मारने वाला हूं, देखता हूं कौन सा भगवान तुझे बचाएगा। ए बसवा भाई। जीजा जी, आप छोड़कर आ गए तो आपको लगा कि मैं नहीं आऊंगा। यहाँ क्यों आया और ये कैसा गेटअप है? कोरोना चल रहा है ना आजकल जीजा जी, कोरोना से बचने के लिए मैंने ये गेटअप ले लिया है। कोरोना नहीं गिरोना नहीं, तू पागल हो गया है। तुम कुछ भी सोच लो, तू तो कोरोना से ही मरेगा जीजा, और तेरे जाने के बाद मैं यहाँ का मजा आ जाएगा। तेरा सड़ा हुआ चेहरा देखकर मैं बोर हो रहा हूँ, जाकर डीएसपी को फोन कर। जाता हूँ। ललप्पा को टैक्स नहीं भरेगा कहता, इसका काम तमाम करना पड़ेगा। हेलो। ए ललप्पा, मेरा नाम है रुद्रा। कौन है बे तू? बोला ना बे, रुद्रा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रख, या फिर लिख के रख ले। कल से मैं तेरे लोगों को मारूंगा और उसके बाद तुझे भी मारूंगा। ए, मजाक कर रहा है क्या तू? मजाक करने के लिए तू क्या मेरा साला है? असल में तू है कौन? क्या तुझे मेरे बारे में पता है? आराध्य प्रतिबोधिताम भगवती नारायणी स्वयं। इसका मतलब जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। बस यही है ललप्पा, यही मैटर है। ऑल द बेस्ट। हाँ गाड़ी निकाल। सर नमस्ते सर। जीजा जी। सर जीजा जी दिमाग नहीं है क्या? कोरोना टाइम में आप हाथ मिला रहे हैं, दो गज दूर रहना है, कितनी बार मैंने आपसे कहा? जीजा जी मारने के पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लिया होता, कितनी बार बताऊं आपको? डीएसपी, फोन करने वाले की पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं समझ गया। जिसने आपको धमकी दी है मैं उसे लेकर आऊंगा। उसका पता इसलिए नहीं लगाना है कि वो मुझे मारना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं उसे मारूंगा। ओके सर। ए, तेरे सर ने प्लॉट लिया है ना, उसने ललप्पा को टैक्स नहीं भरा है। तेरे सर को बोल के मुझे फोन करें। ठीक है भाई। समझ गया ना? हाँ। भूलना मत। कौन है बे तू? हे कौन है बे तू? बीच रोड में बाइक पे बैठा है? जरा माचिस चाहिए था भाई, है क्या आपके पास? हे तू मेरे से माचिस मांग रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? ललप्पा का राइट हैंड हूँ। बसवा नाम है मेरा, पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। वो सब कुछ तो मुझे पता है, लेकिन अभी माचिस चाहिए भाई। ये ले। थैंक्स भैया। Ah!
Hey, उस रुद्रा को कैसे भी ढूंढो। वो रुद्रा कौन है? वो कहाँ है? वो अगर वो मुझे मिल गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। hey! वो रुद्रा ठीक नहीं कर रहा है। मुझे जानना है वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है। hey! जाओ तुम लोग पूरे शहर में ढूंढो उसे और जहां वो मिले उसे उठा कर ले आओ। जाओ। बिना खाए पिए सोचते रहेंगे तो उसे जान से कैसे मारेंगे? जाओ और जान से मार दो। अरे क्या बोल रही है तू? तू जानती है वो कौन है? समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे ढूंढूं। भाई आप टेंशन मत लो, उसे कैसे पकड़ना है मुझे पता है। देख लिया ना, ऐसे ही खेलना है। okay. इधर अच्छे से खेल। बेनू तू बॉल डाल। मम्मी भूख लग रही है। ये क्या मैडम, जब से आया है तब से बस खाते ही जा रहा है। ये इसका पेट है या फिर कुआ। चलो ठीक है, आज की प्रैक्टिस खत्म हो गई, आप लोग जाइए। ए बैठ देकर जा। अबे अगली बार लाते समय इसे यूनिफॉर्म पहना कर लाइए। हेलो सर, मैं रियल एस्टेट ऑफिस से फोन कर रही हूँ। मैं राज शेट्टी बोल रहा हूँ, बोलिए। सर एक प्लॉट है, आप लेंगे? मेरे पास एक LIC पॉलिसी, आप लेंगी? सर प्लॉट और LIC में क्या संबंध है? सुनिए मुझे एक बात बताइए, अगर आपका प्लॉट लेंगे तो कितने दिनों तक जिंदा बचेंगे? मान लीजिए कोई प्लॉट ले लिया और वो मर गया तो वैसे ही पैसा आपके पास आ जाएगा और आपका प्लॉट भी सेल हो जाएगा, पॉलिसी का भी पैसा मिल जाएगा। तो बताइए क्या करना है? मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए सर। तो फिर मुझे फोन क्यों किया? चलो फोन रखो। पॉलिसी लेनी है, पैसे है नहीं, फिर प्लॉट क्यों लेने का? तुम लेट क्यों हो गए? चलना यार। हाँ चल बैठ बैठ। हैदराबाद जाकर तू वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकता है ना? नहीं यार, यहाँ पर बहुत जरूरी काम है। क्या काम है बताता हूँ? अरे अभी बोल ना। अरे रुकना यार रुकना। ना बस बस, बस। अरे क्या? अरे रुकना। अरे बस 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 बस। हाँ बोल ना। अच्छा कर ले। इन लोगों ने अपनी बाइक क्यों रोक दिया? हाँ? ए, हाँ? ये सब करने के लिए तुम्हें यही जगह मिली है? अरे भाई हम लोग तो यहाँ सोने के लिए आए हैं। जाना आदमी है। इस बार अगर हैदराबाद करेक्ट टाइम पर लोड नहीं पहुंचा तो एक एक को पकड़कर काट डालूंगा। जा भाई। अच्छा भाई कौन है भैया?
यही है भाई चौपाल का व्यापारी कृष्णा। इस चौपाल के व्यापारी को बोला कि टैक्स भरो तो हमको रुबाब दिखा रहा है भाई, आप ही बात करो इससे। तूने ऐसा क्यों कहा, हमारे भाई के बारे में नहीं पता? गया बे। यही है भाई, टैक्स भरने को बोला तो बोलता है कि मैं नहीं भरूंगा। क्यों बे, तो टैक्स क्यों नहीं भर रहा है? जिंदा नहीं रहना है क्यों? आपको टैक्स क्यों देना है? अगर ऐसे कष्ट दोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे, किसी ना किसी दिन तुम्हें सबक मिलेगा। भगवान, यहां पर भगवान के सारे काम मैं ही फिक्स करता हूं। भगवान के पास जो भी काम आता है वो सीधा मेरे पास आता है। यहां भगवान मेरी आंखों में ही बसे हैं। तुम बहुत अच्छे हो ना, तो भगवान तेरे लिए अच्छा ही करेंगे। अभी मैं तुझे जान से मारने वाला हूं, देखता हूं कौन सा भगवान तुझे बचाएगा। ए बसवा भाई। जीजा जी, आप छोड़कर आ गए तो आपको लगा कि मैं नहीं आऊंगा। यहाँ क्यों आया और ये कैसा गेटअप है? कोरोना चल रहा है ना आजकल जीजा जी, कोरोना से बचने के लिए मैंने ये गेटअप ले लिया है। कोरोना नहीं, गिरोना नहीं, तू पागल हो गया है। तुम कुछ भी सोच लो, तू तो कोरोना से ही मरेगा जीजा, और तेरे जाने के बाद मैं यहाँ का मजा आ जाएगा। तेरा सड़ा हुआ चेहरा देखकर मैं बोर हो रहा हूँ, जाकर डीएसपी को फोन कर। जाता हूँ। ललप्पा को टैक्स नहीं भरेगा कहता, इसका काम तमाम करना पड़ेगा। हेलो, ए ललप्पा, मेरा नाम है रुद्रा। कौन है बे तू? बोला ना बे, रुद्रा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रख, या फिर लिख के रख ले, कल से मैं तेरे लोगों को मारूंगा और उसके बाद तुझे भी मारूंगा। ए, मजाक कर रहा है क्या तू? मजाक करने के लिए तू क्या मेरा साला है? असल में तू है कौन, क्या तुझे मेरे बारे में पता है? आराध्य प्रतिबोधिताम भगवती नारायणी स्वयं, इसका मतलब जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। बस यही है ललप्पा, यही मैटर है। ऑल द बेस्ट। हाँ, गाड़ी निकाल। सर नमस्ते सर। जीजा जी। सर। जीजा जी, दिमाग नहीं है क्या? कोरोना टाइम में आप हाथ मिला रहे हैं, दो गज दूर रहना है, कितनी बार मैंने आपसे कहा? जीजा जी, मारने के पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लिया होता, कितनी बार बताऊं आपको? डीएसपी, फोन करने वाले की पूरी डिटेल्स चाहिए। ओके सर, मैं समझ गया, जिसने आपको धमकी दी है मैं उसे लेकर आऊंगा। उसका पता इसलिए नहीं लगाना है कि वो मुझे मारना चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं उसे मारूंगा। ओके सर। ए, तेरे सर ने प्लॉट लिया है ना, उसने ललप्पा को टैक्स नहीं भरा है, तेरे सर को बोल के मुझे फोन करें। ठीक है भाई, समझ गया ना? हाँ। भूलना मत। कौन है बे तू? हे, कौन है बे तू? बीच रोड में बाइक पे बैठा है? जरा माचिस चाहिए था भाई, है क्या आपके पास? हे, तू मेरे से माचिस मांग रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? ललप्पा का राइट हैंड हूँ, बसवा नाम है मेरा, पूरा शहर मेरे नाम से कांपता है। वो सब कुछ तो मुझे पता है, लेकिन अभी माचिस चाहिए भाई। ये ले। थैंक्स भैया। आई
Hey, उस रुद्रा को कैसे भी ढूंढो। वो रुद्रा कौन है? वो कहाँ है? वो अगर वो मुझे मिल गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। hey! वो रुद्रा ठीक नहीं कर रहा है। मुझे जानना है वो ये सब क्यों कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है। hey! जाओ तुम लोग पूरे शहर में ढूंढो उसे और जहां वो मिले उसे उठा कर ले आओ। जाओ। बिना खाए पिए सोचते रहेंगे तो उसे जान से कैसे मारेंगे? जाओ और जान से मार दो। अरे क्या बोल रही है तू? तू जानती है वो कौन है? समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे ढूंढूं। भाई आप टेंशन मत लो, उसे कैसे पकड़ना है मुझे पता है। अरे चंडी, हाँ हाँ, आज जो घटना घटी ना, लालप्पा के आदमी का जो मर्डर हुआ उससे लोगों में क्या बातचीत हो रही है? अरे क्या बोलेंगे, जिसने मारा वो मूड में था और उसके आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी मूड में थे। तो रुक जा, मैं पीस लेके आता हूँ। हाँ ठीक है संभल के जाना। अरे आते समय मेरे लिए भी थोड़ा सा लेकर आना। इसके फोन में बहुत सारी लड़कियों की फोटो होगी तो किसी भी एक लड़की की फोटो लेकर एक LIC पॉलिसी खुलवा देता हूँ ना मैं। क्या हुआ बे, कहाँ जा रहा है? चल चल। अरे क्या चल हुआ? चल। अबे अभी तो कुछ भी नहीं, तू चल। अरे वो मर्डर तूने किया ना, ये बात अगर लल्लपा को पता चली तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम पर विश्वास करके फिर LIC पॉलिसी कौन बनाएगा बे? देख लिया ना, चलो भूल जा, आजा। हेलो। हाँ दामाद जी, शादी का मुहूर्त कब रखे? अरे तू मेरी मौत का मुहूर्त रख बेवकूफ ससुर। चल ठीक है, बियर तो ले। ए, चल जा, हट, मुझे नहीं आना तेरे साथ, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं है। इस लड़की का नाम है प्रिया, ऑर्गेन डोनेट संस्था में एम्प्लॉय है। जो मर गया उनके ऑर्गन्स जो जिंदा है उन्हें देकर उनकी लाइफ में मदद की जाए ऐसा सोच रखती है ये। इतना ही नहीं, ये लड़की जीव हत्या की भी विरोधी है। भैया 1 किलो भिंडी देना। नमस्ते नागराज भाई। हाँ नमस्ते। एक गड्डी धनिया पत्ता देना। हाँ देता हूँ। आज क्या स्पेशल है? आज चिकन है। हेलो प्रेग्नेंट बॉय, जीव हत्या पाप है, इस पेट में और कितना डालोगे तुम? एक बात मुझे समझ में ही नहीं आती, तुम लोग बेजुबान जानवर को कैसे खाते तुम हो? कहना क्या चाहती हो? आज से ये सब बंद करो और मेरी तरह एनिमल लवर बन जाओ। हम भी तो एनिमल लवर्स हैं, हम भी तो प्यार से पकाकर खाते हैं। ओ माय गॉड, तुम लोगों को कितना भी बोलो बेकार है। भैया मेरी भिंडी दो। ये लो। भिंडी में ही स्वाद है। ये लीजिए। Disgusting. Excuse me, sir. सर, मरने के बाद आप अपने organs को donate कर सकते हैं। क्यों जी, मजाक कर रही हो क्या? मरने के बाद अपने अंग दान कैसे कर पाऊंगा? अगर आप अचानक मर गए तो आपके कुछ बॉडी ऑर्गन्स किसी दूसरे के काम आ सकते हैं सर। ओ अच्छा, मरने के बाद अपना बॉडी पार्ट मैं अपने एक दोस्त को ही दान करूंगा। वो बहुत ही स्पेशल पार्ट है। हा? जानते हो वो क्या है? उसे हमेशा छुपा के रखा जाता है। छी, बदतमीज, चल निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट हो गया। सर सिटी में मर्डर के बारे में ही बातें चल रही हैं। ये मर्डर किसने किया है आप बता सकते हैं सर? ये मर्डर किसने किया है
और क्यों किया है मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा है तो आपको टारगेट करके वो आपको मार सकते हैं। हेलो आपको एक सच पता है, वो हमारे जीजा को टारगेट करके मारे उससे पहले हमारे जीजा कहीं ना मर जाए, मुझे ये डाउट है। मारने से पहले कैसे मरेंगे? कैसे मरेंगे पता है आपको? आपने मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, इनका मास्क नदारद है, और जब ये मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या होगा कि इनको कोरोना का अटैक होगा और ये पहले ही मर जाएंगे, मुझे डाउट है। मैंने कुछ गलत कहा क्या है? एक मिनट, सैनिटाइज कर लीजिए, अब मारिए। इसीलिए अपने साथ सैनिटाइजर लेकर चलता हूँ। सर अगर वो आदमी आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या उसे जान से मारेंगे? No comments. Hello. Hello. I am. ये भी ना। सीनू, हिन हिन आने वाला सीनू, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस ऑर्डर दीजिए। यहाँ पर जो भी फ्री में मिलता है वो लेकर आओ। हमारे कॉफी शॉप में पानी भी फ्री में नहीं मिलता। हवा फ्री में मिलती है ना, वो ही चलेगी। पनौती कहीं का। हाय हीरो, ये हीरो हिनहिनाने का साउंड बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। कॉफी पियोगे? फ्री में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू नॉटी, एक काम करो, कॉफी के लिए बोलो। एक टू कॉफी। कॉफी बहुत अच्छी थी। तुम भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? अगर बुरा ना मानो तो एक किस दे सकते हो। अगर तुम हाँ कहोगे तो जंपिंग से पैक कर। मुझे पता चल गया है कि तेरा इरादा क्या है, चल निकल यहाँ से। तो ठीक है, मेरी कॉफी वापस कर दो। अभी तो मैं पी चुका हूँ, कॉफी मेरे पेट में है। मैं उसे ले लूंगा। कैसे लेगा? ऐसे लूंगा। चल जाओ यहाँ से। बेवफा। नमस्ते सर। नमस्ते। सारे बराबर है ना? हाँ सर बराबर है। कौन है मैं? ए छोड़। हेलो ब्रो, आप कौन? सीनू। मतलब? हिनहिनाता हुआ सीनू, मैं कब से देख रहा हूँ तुम बहुत टेंशन में हो। इस चाकू में खून किसका है? कहीं तुम्हें चोट लगी है क्या? बॉडी तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। वो क्या है? वो सो गया है क्या? कार के अंदर कुछ गड़बड़ है, मेरी समझ में आ गया। कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, मैं लिफ्ट दूंगा। कम ऑन मेरे साथ आओ। यूज मी ब्रो, प्लीज, आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू। इट्स ओके ब्रो। तुम मेरे बाइक में बैठोगे, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम्हें बस बाइक में पेट्रोल भरवाना होगा, दैट्स इट। बोलो कहाँ छोड़ रहे हैं? दरियाल दिब्बा। ठीक है चलो, अच्छा 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 आओ बैठो। ब्रो पेट्रोल का पैसा नहीं है, ऐसा मत बोलना मुझसे। आई नो यू आर अ गुड बॉय। भाई यहाँ पर है। भाई ये देखिए। ये काम भी रुद्रा का ही है। वो कमीना चाहे कहीं भी छुपकर बैठा हो, हम इसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। तो छोटा है फिर भी तुझमें इतना गुस्सा है, तो सोच मैं तुझसे बड़ा हूं तो फिर मुझ में कितना गुस्सा होगा।
अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं भाई वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर। ठीक है भाई। भाई भाई कॉफी शॉप पर सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, जिसने मारा उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है भाई, लेकिन जो बाइक चला रहा है उसका चेहरा दिख रहा है भाई, और जो भी बातचीत हुई है सब रिकॉर्ड हुआ है। उस बाइक वाले का कोई ना कोई कनेक्शन है उससे, बाइक वाले को हमने ढूंढ लिया है। तो कहाँ है वो? हमारे लोग लाने गए उसे। वो मिलेगा तो रुद्रा भी हमारे हाथ लग जाएगा, पकड़ कर ले आओ उसे। ओके भाई। ए चल उतर। ए ए ए ठीक से बिहेव करो मेरे साथ भाई। यही है भाई। तेरा नाम क्या है रे? सीनू। और ये क्या था? हिनहिनाना, मेरे घर का नाम है। हिनहिनाता सीनू। देख सीनू। देख सीनू नहीं, हिनहिनाता सीनू। ओके सीनू। हिनहिनाता सीनू। रुद्रा कहाँ है? कौन सा रुद्रा? मैं नहीं जानता कौन है वो। दिखाओ। ये क्या किया इसने? हा? इसने हमारे भाई को मारा है। ओह, ओके। मैं इसे जानता हूँ, यही सोच के मुझे इनवाइट किया है ना यहाँ पर। इनवाइट नहीं किया है, तुझे यहाँ उठाकर लाया गया। अच्छा, उठा के लाए। ओके ओके ओके। देखो, उससे मेरा कोई संबंध है ये सोच के तुम मुझे उठाकर लेकर आए हो, लेकिन असल में मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, समझ गए? आते समय कार में बहुत गर्मी लगी थी, इसलिए जाते समय मुझे कोई एसी वाली कार देना प्लीज। ओके okay? हाथ हटा। रहने देना यार, अच्छा लग रहा है। हाथ हटा। मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा है। हाथ हटा। नाटक कर रहा है मेरे साथ। उस वीडियो से पता चल रहा है कि तुम दोनों ने मिलकर मर्डर किया है। मैंने बस उसे लिफ्ट दी थी और मुझे कुछ नहीं पता। मदर प्रॉमिस करता हूँ, फादर प्रॉमिस करता हूँ, मैंने बस उसे लिफ्ट दी थी भाई। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है भाई, चाहो तो पूरे गांव वालों से पूछ लो। किसी की मदद करने के लिए पूरे गांव वालों को साथ लेकर गया था तो क्या कोई बहुत अच्छा काम करने गया था? अब चुपचाप बता दे कि तेरा उस रुद्रा के साथ क्या संबंध है। आप जिसकी बोलोगे भाई, मैं उसकी कसम खा लूंगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है भाई। भाई इसे मर्दों वाला पनिशमेंट दो। भाई भाई भाई, कोई पनिशमेंट नहीं, मैं सच कह रहा हूं भाई, मैं उसे नहीं जानता हूं भाई, मुझे माफ कर दो भाई। नहीं भाई, आ, 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 नहीं भाई, ऐसा मत करो। ओ, ओ, नहीं, छोड़ो भाई, सारा डाल दिया फिर भी कुछ नहीं बोला उसने। क्या बे? मुझे 4-5 घंटे की मोहलत दे दो, मैं उसके बारे में सब कुछ पता करके बताता हूँ। बस 2 घंटा ना? 3-4 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, उससे ज्यादा नहीं मांगूंगा। पनिशमेंट अच्छा लगा ना? अंदर तक हिल गया हूँ भाई, मुझे जाने दो भाई। अगर उसके बारे में नहीं बताया तो आगे क्या होगा सोच लेना। भाई मैं कसम खाकर कह रहा हूँ भाई, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 400-500 रुपए दे दीजिए। कह रहा कि जेब में एक पैसा भी नहीं है मेरे पास, प्लीज। अरे वो बाम कहाँ है? नहीं चाहिए, बस 2 घंटे ही दे दीजिए। अरे माँ, हे जल रहा है, बहुत जल रहा है। हेलो। अरे प्रिया। Who's this? अरे मैं बात कर रहा हूँ रुद्रा, हम लोग सिग्नल पर मिले थे, आप इतनी जल्दी भूल गई। ओह, आप, आपका फोन आएगा मैंने सोचा नहीं था। ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं ना, मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ। अरे यार ऑर्गन क्या चीज है, मैं तो आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। हेलो, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपसे मुझे एक बात कहनी है, मैं बोल सकता हूँ? वो क्या? उस दिन जब मैं आपसे सिग्नल पर मिला था ना, तभी मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल त्रिलोक सुंदरी श्रीदेवी की तरह दिखती हैं। अपने आपको रणवीर समझ रहे हो क्या? अब मैं समझ गई कि मेरा नंबर क्यों लिया था। सुनो, दोबारा फोन मत करना। हाँ, अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है। हेलो हेलो, हमें अभी आया। प्रिया जी हाय। अरे आप मुझे क्यों फॉलो कर रही हैं? हेलो, ये मुझे कहना चाहिए, आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं?
अरे वो क्या है ना प्रिया जी, ना आप मुझे फॉलो करिए और ना ही मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये सब कुछ तो डेस्टिनी करवा रही है, मतलब वो हम दोनों को फॉलो करवा रही है। लगता है हम दोनों का मजबूत रिश्ता बनने वाला है। अच्छा तो ठीक है, फिर आइए गले मिल लेते हैं ना। आओ ना, उसकी जरूरत नहीं। अरे हम लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं यार। नो, आ जाओ लेकर आओ। अभी तक नहीं मिला, रखो यहाँ पर। अरे बोल ना सब मिला के। ए शंकर, आ भाई, लगता है वो आसानी से नहीं मिलने वाला। 3 दिन गुजर चुके हैं जी भाई, हमें कुछ और करना होगा भाई। अगर इसी तरह रोज रोज हमारे आदमी मरेंगे तो शहर वालों को लगेगा कि हम कमजोर हो चुके हैं और उनके बीच हमारा खौफ कम हो जाएगा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, हाथ लग गया तो वहीं काट के फेंक देंगे। अरे रुद्रा मिलेगा तो ही उसे मारोगे ना। जीजा आप बात कर रहे हो ना, इसलिए खामोश खड़ा हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल मुझे लड़की देखने जाना है, ये है मेरी महबूबा। हे जाबे, मैरिज गुरु आंटी। आंटी बोलिए। एक बार और आंटी कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सॉरी सॉरी शर्मिला जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उस लड़की को तेरी फोटो भेजी थी मैंने। पसंद आया क्या? नहीं, रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दिया? इतना बुरा तो हूँ नहीं मैं। हेलो हेलो हेलो, क्या है ये सब? देश में बहुत सारी लड़कियां हैं, यही थोड़ी है। तुम यहाँ? अरे प्रिया जी, आप यहाँ कैसे? मेरे भाई को क्रिकेट खेलना है, जिद कर रहा था ये, इसलिए यहाँ ट्रेनिंग के लिए ले आई। लेकिन तुम यहाँ मिल जाओगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। देख लिया ना, ये सब तो डेस्टिनी का ही काम है। अब इसके बारे में क्या कहेंगी आप? भैया आप यहाँ के कोच हो क्या? अरे भैया मत बोल बच्चे, क्योंकि रिश्ता जुड़ने के बाद ना तुझे मुझे किसी और नाम से पुकारना पड़ेगा। क्यों सजना प्रिया जी? पागलों जैसी बातें मत करो। ओके डार्लिंग, यही मुझे पसंद नहीं है। ओके डियर, ओके। अरे ये कोच तेरे लिए ठीक नहीं है। पर तुम्हारे लिए ठीक हूँ। अच्छा क्या ठीक है बताओ? यही कि फ्रेंडशिप करने के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कह रहा हूँ। फ्रेंडशिप तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसा कोई सीन यहाँ नहीं है, तुम जाकर अपना काम देखो। चिंटू तू जा प्रैक्टिस कर, मैं यहाँ बैठती हूँ। ओहो आजा आजा आजा, हम लोग खेलते हैं, चल आजा। ये है फ्रंट फुट, पैर आगे कर। यस, ये है बैक फुट। अब बॉल जैसे ही आएगा तो डिफेंस। समझ गया ना? ओके। चलो प्रैक्टिस कर। अरे ये तो शॉट को ना ऐसे मारते हैं। एपी में विपक्ष पार्टी को दूसरे का समर्थन। कहाँ जा रहे तू? बाहर जा रहा हूँ। फोन में ऐप बटन दबाते ही 10 मिनटों में। कनप्पा भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। मुझे ऐसा लग रहा है कि रुद्रा का अगला टारगेट तू ही है। तू घर में ही रह, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई डरते क्यों? अगर वो मिल गया तो उसे जान से मारकर आपको उसे गिफ्ट में दूंगा। है, चुप रहे। ये इतना आसान नहीं है। वो जो बोल रहा है वही करके दिखा रहा है, इसलिए मेरी बात मान और चुपचाप अंदर जा। मुझे थोड़ा काम है, वो खत्म करके आता हूं। ललप्पा को टेक्स्ट टाइम पर देना होगा, अगर नहीं दिया तो सबको जान से मार दूंगा। हेलो, मैं हूँ तेरा बाप रुद्रा। ए, तू है? कहाँ छुप कर बैठा है? तू वहाँ पर मुझे ढूंढ रहा है और मैंने यहाँ तुझे मारने का मुहूर्त बनाया है। ए, क्या समझ रखा है तूने? तू मुझे मारेगा? मुझे छोड़ दीजिए। मारूंगा तो मैं तुझे। हिम्मत है तो एक बार सामने आ। अब तक तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो आना। आऊंगा बे, और आने के बाद तुझ पर लिखूंगा रेप, RIP, रेस्ट इन पीस। ए, बॉक्स दे।
ए, अब चल। अगर मैं मन बना लूं तो कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अरे तुम लोग एक आदमी तक को पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम लोग किसी भी काम के लायक नहीं हो। अब कैसे करोगे नहीं पता। एक घंटे के अंदर वो या उसकी फोटो मेरे सामने होने चाहिए। मैंने अपने भाइयों की लाशें देखी हैं, उनकी चिता मेरे सीने में जल रही है। जीजा, जीजा, अभी एक अपडेट मिला है। कैसी अपडेट? कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब कोई भी लगवा। सर, कनप्पा को कोई फॉलो कर रहा था, सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी रिकॉर्ड हुआ है सर। लगता है उसी ने कनप्पा को जान से मारा है। अगर ऐसी बात है तो वही रुद्रा है। दिखाओ, जल्दी मुझे दिखाओ। ये देखिए सर, hey, भाई, इस बीच मेरे भाई के साथ किसी का झगड़ा हुआ था क्या? इसके साथ भाई का संबंध था? भाई, इधर तो कोई झगड़ा या मर्डर नहीं हुआ। लगता है हमें बहुत सोच समझकर चलना होगा। हाँ जीजा, हमारे बहुत सारे दुश्मन बाहर घूम रहे हैं जीजा जी। मास्क और सैनिटाइजर नहीं रखते हैं अपने पास। आपको पता है ना, आदमी को 2 गज की दूरी पे रहना चाहिए। अगर ऐसे सट के रहेंगे, कोरोना नहीं तो क्या करीना आएगी? सब लोग दूर हटो भाई, सावधानी। पागल, पहले से ही हम लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। अगर ज्यादा बोलेगा तो नीचे फेंक दूंगा, बेवकूफ। सभी लोग जाने वाले हैं कोरोना से। सर, कोई समझता ही नहीं है। तुमने देखा ना, हमने उसके बारे में पता लगा ही लिया। लाइए सर। डीएसपी, अब कुछ भी करके तुझे इसे पकड़ना ही होगा। ओके सर, मैं अपनी टीम को इस काम पे लगा देता हूँ। हम सब जानते हैं कि आजकल बच्चों में भी किडनी की समस्याएं हो रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान खड़े हैं जिन्होंने एक बच्ची की जान बचाई है, इस बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। तो बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है? मेरी बेटी आज रुद्रा सर की वजह से ही बची है, और जिन्होंने किडनी डोनेट की है उनका कर्ज तो मैं अपनी जिंदगी में कभी चुका नहीं पाऊंगी। तो बताइए, आपने क्या मदद की है सर? अरे मैंने कोई मदद नहीं की है। एक्चुअली एक दिन एक लड़की की मौत हो गई थी, तो उसके घर वालों का नंबर मैंने इसकी माँ को दे दिया। अब देखो, मरी हुई लड़की की किडनी काम आ गई। बस इतना ही तो किया है मैंने, किसी के काम आना अच्छा होता है ना। So he is a nice guy. ठीक है चिंटू, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। चल, मुझे देख भी नहीं रहा है। ए, तू इधर आ। आज इतना लेट क्यों हो गया? ये ले, रुद्रा। जरा सुनो तो। एक मिनट ना, तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। हाय प्रिया। क्या है, इतना भाव क्यों खा रहे हो? कौन, मैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं। अब बताओ क्या बात है? नथिंग, तुम ही बताओ। हैप्पी बर्थडे प्रिया। चिंटू ने बताया क्या? प्रिया, एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना। तुम्हें पहली बार देखा तभी ठान लिया था कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। आई लव यू प्रिया। Love you too.
कौन बात कर रहा है बोलो? सबसे पहले तुम मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, समझ गए? मेरे बेटे। हाँ माँ बोलो। फालतू की बातें बाद में कर लेना, अभी हम लड़की देखने आए हैं। ठीक है माँ, ओके। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैसे हैं भैया? हाँ छोटी बहन, ठीक हूँ। आप ठीक है ना भाभी? हाँ ठीक हूँ। आइए बैठिए ना, तुम भी बैठो। हाँ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या बात है बहन, कुछ खास बात करनी है? आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी की बात हुई थी ना भैया। वो सब तो बात बचपन में हुई थी ना, अब तो वो शादी के लिए राजी भी नहीं है और इसे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। मुझे वो क्यों पसंद नहीं करेगी? मुझे उसे मनाना आता है, मैं उसे मना लूंगा। ये इतना आसान नहीं है बेटा। आप मेरे बारे में जानते नहीं है, वो मुझे बचपन से लाइक करती है, वो मुझे मना नहीं कर सकती। ये फेंकू। वैसे वो अंदर है ना, मैं उसे मिलकर आता हूँ। ब्यूटी बेबी आई एम कमिंग। माँ तुम इनसे बात करो, मैं आता हूँ। हेलो। ओह तू है? क्या है बे? क्या है बे? ओह इट्स ओके, तुम्हारे डैडी हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं, अगर तुम्हारी हाँ हो तो डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी? ए मैं तुझसे शादी करूंगी, ये तूने सोचा भी कैसे? शमशान में जो लोग काम करते हैं ना, वैसा तो दिखता है। मेरी और तेरी कोई जोड़ी बनती नहीं, समझा? तू कुछ ज्यादा बोल रही है, ज्यादा बोल रही हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी तुमसे ही होगी। और वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुमको कहाँ मिलेगा? इसलिए ब्यूटी चुपचाप तुम हाँ कर दो। अच्छा जरा दरवाजा बंद करके आ। आहा बेबी, दरवाजा बंद करूं क्या? अभी करता हूँ। बाय माँ। अंदर क्या हुआ बेटा? ऐसा मैटर पहले बताना चाहिए था ना माँ, अभी घर चलते हैं। देखो माँ, पहले घर चलते हैं, बेबी को मैं शायद पसंद नहीं आया हूँ। अरे बाप रे, तुम्हारी बेटी बेबी नहीं बवाल है। पूरी डिटेल्स लेकर आया? हाँ भाई। तो जल्दी से बता, आपने अपनी पूरी लाइफ में लगभग कितने मर्डर्स किए होंगे, आपको कुछ याद है? 55 या 56। 56 भाई, हम लोगों ने जो भी मर्डर्स किए हैं उन फैमिलीज में कोई लड़का बचा नहीं था। मैंने जिस लड़की का रेप किया था उसका लवर है क्या? नहीं भाई, उससे भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर कौन है वो और हमें क्यों टारगेट कर रहा है? मिला क्या वो? पता नहीं कहाँ है, नहीं मिल रहा है भाई, बहुत ढूंढा उसे। बेवकूफ, वो मुझे टारगेट करके इसी शहर में है। उसने गलत किया, बहुत बड़ी गलती की उसने। एक बार अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका सीना चीर कर चील कौवे को खिला दूंगा। ओए, तुम्हें पता है मैं क्या फील कर रही हूँ? बताओ कैसा लग रहा है? तुम्हारी वजह से मेरा दिल इस वक्त खुशियों से भरा हुआ है। समंदर जितना गहरा है, हमारे प्यार की गहराई भी उतनी है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे? हम दोनों भी प्यार के बंधन में जकड़े हुए हैं। एक लड़का और एक लड़की पास पास रहने की जो खुशी महसूस करते हैं, इससे पहले वो मैंने नहीं की थी। हेलमेट निकाल, निकाल हेलमेट। भाई ये नहीं है, चल जा 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 निकल, जा 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 जा। वो रुद्रा किसी भी हाल में हमसे बचकर जाना नहीं चाहिए। तो रुक रहे, हेलमेट निकाल। मास्क हटा। कोरोना के सिम्टम्स है भाई, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। कोरोना है तो बाहर क्यों घूम रहा है, चल जा। हाँ बाबूराव। हाँ बोल। अच्छा वो लड़की मुझसे मिलने के लिए तो आ रही है ना? हाँ क्या हुआ? कब तक आएगी वैसे? तेरी लोकेशन दी है उसे, वो पहुंचती ही होगी। ठीक है मैंने सुन लिया, फोन रख दे।
ये नमूना फिर आ गया। एक नंबर का बेवकूफ है। एक वाटर बॉटल लेकर आ, छोटी वाली लाना। हेलो। हेलो, आप ही शीनू है ना? अच्छा, तो आप हैं कुमारी जी? हाँ जी। प्लीज बैठिए। बैठिए ना। उस बाबू ने तो फोन पे बोला कि लड़की 21 की होगी, लेकिन ये तो पूरी 31 साल की दिखाई दे रही है। आप भी 40 से कम नहीं लगते। वो तो मैंने जोक बोला आपसे। पहले कॉफी ऑर्डर कीजिए। वो नहीं ऑर्डर करेगा। हाँ? पहले ये बताइए कि क्या आपकी हाँ है। वो हम बाद में बात करेंगे, पहले कॉफी मंगवाओ। वो ऑर्डर नहीं करेगा। ए तू जा यहाँ से। बड़ा आया ऑर्डर लेने वाला बैठ जाता है। जल्दी से मुझे हाँ बोल दीजिए। अगर मैं हाँ नहीं कहूँगी तो कॉफी नहीं पिलाओगे? कॉफी पिए बिना हाँ नहीं बोलोगे क्या? मुझे पता चल गया कि तुम कितने कंजूस हो। तुम जैसे आदमी के साथ मुझे शादी नहीं करनी, जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम हाँ बोलोगे इसलिए 20 रुपए का मैंने पेट्रोल डलवाया, 10 रुपए का मैंने पानी खरीदा, कुल मिला के 30 रुपए हुए हैं। मैं पैसे कभी नहीं छोड़ता, इसलिए पहले तुम मेरे 30 रुपए वापस करो। जल्दी लाओ। तुम्हारी तो जिंदगी में शादी नहीं होगी। चल जा। हाँ ठीक है, तू जा। हेलो, वो किलर मेरे सामने बैठकर चाय पी रहा है। मेरे आने तक उस पर नजर रखना। इस बार अगर वो मिस हुआ तो तेरी जान ले लूंगा। हाँ भाई, ठीक है भाई, आपके आने तक एक कप चाय पी लूँ ना भाई। आप पैसे ऑनलाइन पे कर दो ना। दिमाग खराब मत कर। अच्छा, तो यहाँ आकर दे देना। hey, फोन ना। अब तो तू गया, तेरा आज काम तमाम, तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। hey, अब आया है हाथ में तू। किधर गया रे? किधर गया? आजा आजा, तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। हाँ, नहीं उसे आ जाओ। कहाँ गया वो? सबको मार कर निकल गया यार। क्या कहा? तुम लोगों को मारा उसने? आखिर वो है कौन जो इस तरह से तुम लोगों को मार कर निकल जा रहा है? अरे उसकी तो। कल तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? Thank you.
हेलो, लॉरी के साथ ऑटो का एक्सीडेंट हो गया है। किसको ज्यादा चोट पहुंची? लॉरी को। उसे पॉलिसी लेने का बोल देना। फोन रख चल। एक्सक्यूज मी, हेलो, दिस इज शंटी द एलआईसी एजेंट। मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। हैं? तुझे पॉलिसी की बात नहीं कह रहा हूँ, उस रुद्रा की पॉलिसी क्या चल रही है वो बताता हूँ, सुन ले। तू बेकार में उससे प्यार कर रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद हो जाएगी? अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेगी तो जिंदगी अच्छी होगी, रुद्रा के साथ दोस्ती करेगी तो सीधा ऊपर चली जाएगी। तुझे पता भी है उसने क्या किया है? अपना मुंह बंद कर और निकल यहाँ से। मैटर क्या है? ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। अरे वो इसे लड़की वाले देखने आने वाले थे लेकिन कोई नहीं आ रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहा है। तुम आ जाओ, ये तू जाना। हाँ जाता हूँ जाता हूँ बे। पहले इस लड़की का 50 लाख का इंश्योरेंस करवा दे, तेरा फ्यूचर क्या है वो तो पता नहीं, 50 लाख की पॉलिसी ले लेना। ठीक है ले लूंगा, अब जा। तुम बिना यार, बिना बोले यहाँ पर आ गई। तो क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा? ठीक है आओ बैठो। बात क्या है, 2 दिनों से ना कॉल किया और ना मैसेज का कोई रिप्लाई दिया, क्या हो गया? किसी दूसरे काम में थोड़ा बिजी था। हाँ, तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या है? मैं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, समझ गए ना? समझ गए ना? किसको तो मैं देखता हूँ बहुत मार रहा था सबको। भाई आपके चरणों में हाजिर है। मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर तू है कौन और मुझे क्यों टारगेट कर रहा है ये जानने के बाद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। ए भाई, इसे हमारे अड्डे पर लेकर चलो। ठीक है भाई। अब अरे मार उसे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, क्या हुआ? तुम इतनी सीरियस क्यों खड़ी हो? तुमने जो काम किया है ना वो सब मैं जान चुकी हूँ। क्या किया है मैंने? तुमने जो मर्डर्स किए हैं उसके बारे में पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम किससे प्यार करती हो जानती हो? पता है मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आया हूं? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम एक मर्डरर की लवर हो, अगर ये बात उसे पता चली तो ललप्पा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। तुम आखिर हो कौन? ललप्पा के लोगों को क्यों मार रहे हो तुम? इस शहर में मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा ऐसा सोचा था। ठीक उसी समय शहर में ड्रग्स का धंधा जोरों से चल रहा था।
शहर में ड्रग्स का कारोबार तेजी से चल रहा है। ड्रग्स की वजह से एक छोटी बच्ची का रेप भी हो गया है। 10वीं क्लास के बच्चों से लेकर इंजीनियरिंग के बड़े बच्चे तक ड्रग्स ले रहे हैं, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस विषय में पुलिस और सरकार क्या कर रही है ये सोचकर आम जनता परेशान है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ शेषाद्री जी हैं। शेषाद्री जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब हम और क्या बोलें? बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई ड्रग्स ले रहा है। सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम है। अगर दोषियों को पकड़कर पुलिस जेल में डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है इस शहर के हालात। कैमरामैन रमेश के साथ जानवी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हमने जो अर्जेंट मीटिंग रखी है उसका कारण है, सिटी में जो ड्रग्स बिक रही है उस पर फोकस करो, ऐसा ऑर्डर आया। सो ड्रग डीलर्स, ड्रग सप्लायर, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ना चाहे कितना बड़ा आदमी हो। गॉट माई पॉइंट? यस सर। हे रुद्रा। हाँ सर। कॉन्ग्रेट्स। किस लिए सर? आईपीएल में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। ऐसा क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारा गेम के ऊपर फोकस, आईपीएल में सिलेक्शन के लिए यही तो चाहिए। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बात मुझे अपने पापा को बतानी है। पापा, मैं आईपीएल में सिलेक्ट हो गया हूँ। ऐसा क्या? सच बोल रहे तू? हाँ पापा, अभी कोच सर बोल कर गए। बहुत खुशी की बात है बेटा। ये देख, बगल में चंटी भी बैठा है, उसे भी बता दे आईपीएल में सिलेक्ट हो गया मेरा बेटा। सुपर। हाँ बोल भाई। हे भाई, आईपीएल में सिलेक्ट हो गया हूँ मैं। कांग्रेचुलेशंस। तो फिर अब शाम को पार्टी जबरदस्त होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होगी यार, बिल्कुल होगी। मोना को धोखा देता है। मोना तुझे नहीं छोड़ेगी। सेक्सी दिख रही हो ना? अबे बोलता क्यों नहीं? देखो मैडम, मैंने तो ए? मुझे देखे बिना नहीं रह सकता। अब ठीक है? नहीं मैडम, मुझे मारना मत मैडम। तू मेरे 50 लाख रुपए कब और कैसे चुकाएगा मुझे ये जानना है। बाकी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी मेरे साथ धोखा करता है उसे मैं सीधा माल जबरदस्त है हैदराबाद अच्छी तरह से पहुंचा देना। दीदी, ड्रग्स को लेकर यहाँ की पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है। उनकी आंखों में धूल झोंकना ही तो है अपना टैलेंट। एएमपी, मुझे कॉर्पोरेटर का बना रहे हो? अभी से कॉर्पोरेटर क्यों? तुम तो ड्रग्स में करोड़ों रुपए कमा रही हो ना? पैसे अलग हैं और राजनीति अलग। वैसे मैं तुम्हें कॉर्पोरेटर जरूर बनाऊंगा। ओके डार्लिंग। थैंक यू डार्लिंग। तो अभी हम वीना दीदी की रील्स बनाएंगे। रेडी दीदी? बाबा, ये सब क्या है बेटी? घर में ऐसा वीडियो बनाने के लिए मना किया था ना? एक्टिंग मुझे पसंद है पापा। ये सब पागलपन छोड़ो बेटा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। आ जाओ। फोन रख ले। एक मिनट। हाँ हेलो वीना, मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम उसमें एक्टिंग करना चाहोगी? एक्टिंग? हाँ ओके ओके, बट कैरेक्टर डिसेंट तो है ना? हाँ कैरेक्टर डिसेंट है और पेमेंट। ओके ओके, पेमेंट के बारे में मुझे पूछना ही नहीं है। अब कैरेक्टर डिसेंट है तो फिर ठीक है। अच्छा, मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ, अप्रोक्स 1 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तुमसे 1 घंटे में मिलता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
कल हमने एक फाइल भिजवाई थी, आपने साइन नहीं किया। आप जो बात कर रहे हैं वो मीट फैक्ट्री के बारे में ही है ना? हाँ वही। वो जो जमीन है वो 50 एकड़ की है और आप जो मांग कर रहे हैं वो परमिशन अगर मैंने दे दी तो समझ लीजिए कि उस इलाके के रहने वाले जो लोग आराम से जी रहे उन लोगों के साथ मैं अन्याय करूंगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे धंधे से उनका क्या नुकसान होगा? मीट फैक्ट्री से जो दुर्गंध आएगी वो वहाँ हवा में जहर की तरह फैल जाएगी, वहां पर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब बीमार पड़ जाएंगे, क्यों है ना? तो फिर ये सब किस लिए? ऐसा मत कीजिए। तो आप बात करें एक मीट फैक्ट्री की, वहां चमड़ा फैक्ट्री में हर तरह के जानवर को काटकर उसका मांस आप विदेशों में भेजेंगे, ये किस तरीके का बिजनेस है? आप जहां मीट फैक्ट्री के लिए मांग कर रहे हैं ना, वहां बगल में एक अयप्पा स्वामी का मंदिर है। अयप्पा स्वामी मंदिर तो एक पवित्र स्थान है, इसलिए मैं आपको ये परमिशन नहीं दूंगा। ए, तुझे क्या, जो बोल रहा हूँ वो करना छोड़ के कुछ भी बोल रहा है? हमें जानते हो लालप्पा द किंग ऑफ यानम, साइन करने में लेट हुआ तो लेट बैंकट हो जाओगे। आप लोगों के डर से मैं साइन नहीं करने वाला, आप कहीं और जाइए। अब तो साइन करेगा या नहीं करेगा, जल्द साइन कर, साइन कर, कर, साइन। चलिए देखते हैं इसे बाद में, तू तो गया, आप देखते जा। वीना के साथ रोमांटिक शॉर्ट फिल्म बनाकर डालेंगे तो अपने चैनल पर 10 मिलियन व्यूज आएंगे। ओके। एक बात और, हाँ उसको बोलना मत कि अपनी फिल्म में बेड सीन्स है, ठीक है ना सर? ओके। हाँ एक्सक्यूज मी, हाय वीना, कम। हेलो, ये है फिल्म के हीरो। क्या कहा, ये हीरो है? इसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा कि ये डायलॉग बोल पाएगा। हेलो, बेड स्टार हूँ, डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, बस सोता हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये लड़की फ्रेश है क्या, पहली बार फिल्म में आई है? What? अरे वीना, क्या है कि इस सीन में ना डायलॉग नहीं है, सिर्फ बेड पर सोना है। ओह, अच्छा, स्टोरी क्या है और सीन क्या है? फर्स्ट सीन में हम तुम दोनों का बेड शेयरिंग शूट करने वाले हैं। जब हम करेंगे तो हमारा बेड सीन ही रहेगा? नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है, तुम लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है वीना। शी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। इडियट फेलो। वीना, मेरी बात सुन। अरे ये क्या, वो लड़की चली गई, फिर मैं रोमांस किसके साथ करूँ? वो लड़की चली गई, अब कर ले रोमांस। हाय सर। हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है? होटल संजय में आ जाना। ओके सर, आई एम कमिंग। ये कैसी स्मेल है? ये तो ड्रग्स है। हे, हाँ? क्या है इसमें? ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स है? इसमें ड्रग्स कहाँ से आई बोल? लेकिन ड्रग्स सर। चल बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल। क्या है ये? ये तो ड्रग्स है ना? सर, ये ड्रग्स यहाँ कैसे? चल डीएसपी साहब के पास चल। सर मैं कुछ नहीं जानता सर। चुपचाप चल। सर, चल। मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, इसकी गाड़ी में ड्रग्स मिला है सर। इस ड्रग्स से मेरा कोई संबंध नहीं है सर। असल में ये मेरे कार में कैसे आया मुझे नहीं पता। क्यों बे, हम बेवकूफ लगते हैं? कहाँ से आया है हम पता लगा लेंगे, तुझे थाने चलना होगा। ए लक्ष्मण सर, गाड़ी में बैठा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। ए, चल, ये मेरा नहीं है सर। चल सर। बोल, तेरे पास कहाँ से आया? इतनी आसानी से तुझे छोड़ेंगे नहीं, बता तेरे साथ और कौन कौन है? कुछ नहीं पता सर। इतने सालों से धंधा कर रहा है, लगता है आसानी से मुनी खोलेगा तू। बोल बोल बोल, कौन कौन है तेरे साथ, बता तेरे साथ कौन कौन है, बोल बोल। कब लाया, कहाँ से लाया, बोल। 50 से 55 करोड़ का 5 किलो हेरोइन, बहुत बड़ा धंधा है ना ये, बता तेरे साथ और कौन कौन है, बता ना। सच बोल रहा हूँ सर, मेरा और ड्रग्स का कोई संबंध नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो ये तेरी कार में कैसे आया? ये मुझे भी नहीं पता सर। जब तक तू सच नहीं बताएगा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बोल, बोल। हे रमन्ना, एक आदमी भेज रहा हूं, इसका काम कर देना। ठीक है, जा, तेरा काम हो जाएगा। धन्यवाद भाई। क्या हुआ भाई? फैक्ट्री के लिए वो साइन। तो क्या हुआ फैक्ट्री के साइन का? मैंने जाकर वार्निंग भी दी उसे, वो वेंकटेश साइन करने को तैयार नहीं है भाई। हे, चुप हो जा,
एक दिन गांव से बाहर रहता हूं तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? यहाँ वही होगा जो लल्लप्पा चाहेगा, वो नहीं होगा जो वो चाहेगा। भाई, आपके बारे में उसे बताया लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है भाई। यहाँ पर नया है क्या? हाँ भाई। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम लल्लप्पा है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपसे पहले जो ऑफिसर थे वो मेरे काम के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन पहली बार आज मुझे इस ऑफिस में आना पड़ा है। लगता है आप मुझे नहीं जानते। वो सब जाने दीजिए सर, मेरे भाई ने बताया कि आपने साइन करने से मना कर दिया। जी हाँ, मना कर दिया। तो अब मैं बोल रहा हूँ साइन करो। आपके बोलने से भी नहीं करूंगा। क्या करेंगे आप? कितना पैसा चाहिए बता। वो भी मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? तो मुझे तेरे बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर तूने मेरी फाइल पे साइन कर दिया तो आराम से अपने घर जा पाएगा, नहीं तो तेरी लाश जाएगी। लगता है मेरी बात इसकी समझ में आ गई, अब ये जरूर साइन करेगा। अच्छा। तुम मुझे जान से मार डालोगे इस डर से मैं साइन कर दूंगा, तुम ये सोच रहे हो ना? मेरी सर्विस में मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है। लेकिन मुझे नहीं देखा तूने। मेरे ऑफिस का टाइम अब पूरा हो गया है। कृष्णा। जी सर। आज ऑफिस बहुत गंदा हो गया, इसे अच्छे से साफ कर देना, क्लीन कर देना। ठीक है सर। हेलो सर, मैं लल्लप्पा। हाँ बोलो लल्लप्पा। अभी बीच रोड पर मैं एक मर्डर करने की सोच रहा हूँ। देखो लल्लप्पा, अभी हमारी रूलिंग पार्टी है, इस बार अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शन भी होने वाला है। पीपल्स पार्टी का क्या हाल है ये हम सबको पता है। इस टाइम तू मर्डर मत कर, यही अच्छा होगा। बस एक बार तू इलेक्शन खत्म जाने दे। अभी तू मर्डर करना छोड़, कुछ और ही सोच ले। तो आप उसका ट्रांसफर करवा दीजिए सर। उसे आए हुए भी कुछ ही दिन हुए, वो रेवेन्यू मिनिस्टर का रिश्तेदार है। तो हम उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? कुछ दिन रुक जा। मैं ये सब नहीं जानता सर, लेकिन अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मेरा मीट फैक्ट्री का बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तू किसी और तरीके से उसे जान से मार दे, तेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर। मुझे नहीं पता। सुनो, केस फाइल करके कोर्ट भेज दो। ओके सर। डीएसपी योगी सर, ड्रग केस के बारे में पूछ रहे थे, उसने कुछ बोला क्या? नहीं सर, कितना भी मारो कुछ भी नहीं बोलता है सर। हर क्रिमिनल ऐसा ही करता है, हमें उससे उगलवाना ही होगा। चलो सर, लॉक खोलो। इतनी मार क्यों खा रहा है तू? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस ड्रग्स की सारी डिटेल दे दे मुझे, नहीं बताया तो इसी पुलिस स्टेशन में मार डालूंगा तुझे। हमारे देश में बस यही प्रॉब्लम है सर, मैंने कुछ नहीं किया। हम जैसे लोगों को डरा धमका कर जो हम लोग नहीं किए होते उसे आप लोग कबूल करवा लेते हो सर, ये करेक्ट नहीं है सर, हमारा सिस्टम ही गलत है। ए, लगता है ये ऐसे सच नहीं बोलेगा। केस फाइल करके कोर्ट भेज दो इसे। ओके सर। वीना। बोलिए पापा। नेक्स्ट ईयर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो आगे क्या करने का सोचा है? सोच रही हूँ कि शादी कर लेती हूँ। ऐसा क्यों? तू और तेरा पति मिलकर फिर क्या रील ही बनाते रहोगे? तूने तो बात बहुत सीधी कर दी, जब छोटी थी तब तो बहुत शर्माती थी और अब तो डायरेक्ट ही बोल दिया तूने। शादी के लिए तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अब मैं बच्ची नहीं रह गई पापा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबकी शादी हो गई है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं ही देख लूंगी, मुझे तो कोई इंटरकास्ट वाला भी चलेगा। अरे बाप रे, ऐसा मत करना बेटा। हाँ, तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर मैं ही शादी करवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। वीणा। हाँ पापा। तेरे लिए गुड न्यूज है। वो क्या पापा? तेरे एक बचपन का साथी था ना राघव, उसे जानती है ना? यूएस में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। उसका और तेरा रिश्ता मैं पक्का करना चाह रहा हूँ। तुम दोनों की कुंडली भी मिलवा दी है। कुंडली भी मिलवा दी,
इतनी जल्दबाजी क्यों पापा? उसके बारे में अच्छे से पता कीजिए। हाँ मैंने सब पता किया है, सब ठीक है, बस तेरी मर्जी चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। परेशान मत हो यार। पुलिस ने मुझे मारा इसलिए परेशान नहीं हूँ। जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए जेल में हूँ, उसी बात का दुख हो रहा है। अरे सब बैड टाइम है यार, आज तुझे आईपीएल में होना चाहिए था लेकिन तू आज जेल में। अच्छा पिताजी कहाँ हैं? तेरी बेल के लिए लॉयर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा सुन, तुझे बिरयानी बहुत पसंद है तो वो लेकर आया हूँ, ले खा ले। नहीं चाहिए। नहीं? अरे बाहर कितने लोगों की मिन्नत करके अंदर लेकर आया हूँ, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, अरे खा ले। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है रे। चंटी तूने स्मेल बोला तो मुझे कुछ याद आया। जब मैं घर से निकला उस समय मेरे कार में कुछ नहीं था, पूरी कार खाली थी, लेकिन जब चेकपोस्ट में पुलिस चेक करी थी तब उनके हाथ ड्रग्स लग गया। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ तो हुआ है। ए तू एक काम कर, आसपास में वहां पर सीसीटीवी कैमरेज होंगे, चेक करना, कोई तो क्लू मिल ही जाएगा। ठीक है पता करता हूं। उसे यहीं पर तो उस दिन पकड़ा गया था, लेकिन कहीं सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन स्पॉट तो यही है। हाँ? अरे चंदा जी कैमरा। ये देखिए। बस ये काफी है मेरे बेटे को बाहर निकालने के लिए। हाँ हाँ भाई सुनो, इस फुटेज को पेनड्राइव में कॉपी करके दे सकते हो? दे दूंगा। हाँ बहुत मुश्किल से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया है। बहुत अच्छा काम किया है आपने, वो एविडेंस देकर के आप मेरे घर आ जाइए, हमारे लिए उतना ही काफी होगा केस रीओपन करने के लिए। थैंक यू सर, आता हूँ। कहीं देखा ऐसा लग रहा है ना, मैं वही हूं, मैंने ही रखा था। हेलो ठीक है मैं देख लेता हूं। हेलो मोना, मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ड्रग्स पकड़ने के लिए पुलिस ने हर जगह जाल बिछाया है, उन्होंने जगह जगह पर गाड़ी चेक करने के लिए चेक पोस्ट बनाए हैं। ड्रग्स मिला तो तुम तकलीफ में आ जाओगी और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता, किसी भी तरह तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बी केयरफुल। ओके डार्लिंग, मैं संभाल लूंगी। मैंने ही कार में ड्रग्स रखा था, पुलिस ने तेरे बेटे को पकड़कर इंफॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश की, उसके बाद मैंने तुम लोगों की जानकारी निकाली। मुझे पता था कि चेक पोस्ट की घटना के बारे में तुम पता करोगे और ये एविडेंस दिखाकर अपने बेटे को बाहर निकालकर मुझे अंदर करवाओगे, यही सोच रहे हो ना तुम? ए, वो भगवान मेरे बेटे को न्याय दिलवाने के लिए ही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, उसे बाहर निकालूंगा और तुझे अंदर डलवाऊंगा। वेरी गुड, ये सब करने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब करोगे ना।
Happy birthday to you. Happy birthday dear Veena. Happy birthday to you, Veena. Thank you, Papa. Thank you, Mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अपनी बेटी का जन्मदिन जबरदस्त मना रहा है तो। मेरे घर में क्यों आए हो तुम? क्या सर, हम लोग यहाँ आए तो आपको बुरा लग रहा है क्या? तो और क्या, साइन तो आपने किया नहीं पर केक तो खिला सकते हो ना। ए, ए, चलो सब घर से बाहर निकलो। सर आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। ए, ए, इज्जत से बात कर वरना चप्पल उतार कर मारूंगी। ए, हाथ हटाओ। अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में बहुत अच्छा लगेगा। ए, वेंकट, मेरे बारे में ठीक से नहीं जानने का परिणाम देखा ना तूने? बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। है भाई, इनकी मौत के बाद क्या होगा? क्या होगा, प्रेमी के साथ भाग रही थी, माँ बाप ने मना किया तो इसने माँ बाप को ही मार दिया। मुत्तप्पा, पूरी बात समझ गया ना? हाँ भाई। तो शुरू हो जाए। इतनी मासूम लगती है और अपने सगे माँ बाप को ही मार डाला, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी तू, बाहर निकलने की तो भूल जा, समझ गई? कोर्ट का टाइम हो रहा है, सब लोग तुझे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। साइन कर दो और वेट करो।
कौन हो तुम और मुझसे मिलने क्यों आए हो? मैं हूं रुद्रा। मैंने भी गुनाह नहीं किया था, फिर भी मुझे तुम्हारी तरह जेल हो गई थी। पता चला कि तुम्हें फांसी की सजा हुई है, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। करोगी? क्या? मेरे पापा को मारने वाली एक औरत इसी जेल में है, उसे तुम्हें मारना होगा। मैं उसे क्यों मारूंगी? पापा, मैं आईपीएल में सिलेक्ट हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। उस दिन जब मैं घर से निकला तब कार में कुछ नहीं था। पुलिस जब चेकपोस्ट पर चेक कर रही थी तभी उन्हें वो पैकेट मिला और उसमें ड्रग्स था। जेल से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि वो दूसरे ड्रग्स केस में जेल के अंदर गई है। मैं उसे बाहर मार सकता हूँ लेकिन वो अभी अंदर है, तो उसे मारने का एक मौका मिला है और ये मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। प्लीज मेरे लिए उसे जान से मार दो। तेरे बदले के लिए मैं उस औरत को तो मार दूंगी, पर मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तेरी ही तरह मुझे भी किसी से बदला लेना है। उसे तू बाहर मार दे। अगर तू जुबान देता है कि तू मेरे दुश्मन को मार देगा तो मैं भी तेरी दुश्मन को मार दूंगी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरी फाइल पे साइन कर दिया तो आराम से अपने घर जा पाएगा। तो ये रिवेंज डील तेरे लिए ओके है? कल तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मुझे रुद्रा नाम के आदमी से मिलना है। रुद्रा, हमारी डील के मुताबिक मैंने उस औरत को मार दिया। अब ये मत भूलना कि तुझे मेरे दुश्मन को मारना है। नहीं बिना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा और आज के बाद तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। इट्स माई प्रॉमिस। बदला उसने पूरा किया, उसका बदला तुम पूरा कर रहे हो। एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, ये सही कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ जिसने अन्याय किया है वो इंसान राक्षस है, लेकिन तुम भी ऐसे किसी और को मारोगे तो तुम भी राक्षस ही हुए ना? मतलब मैंने जो किया वो गलत किया क्या? 100% गलत है। गलत काम करने वालों को सजा दिलाने के लिए कानून है, लेकिन तुम कानून के पास जाना छोड़कर इस तरह सबको मारते फिर रहे हो। क्या कर रही हो? कानून वानून के बारे में मुझे समझा रही हो क्या? जो मुझ पे गुजरी वो तुम पर गुजरती ना तो तुम भी ऐसी रिएक्ट करती, मेरी तरह तुम भी लोगों को मारती फिरती। तुम सही नहीं हो रुद्रा। तुम भी करेक्ट नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से। शंकर, कहाँ हो तुम लोग? हाँ भाई, जल्दी आओ। आता भाई। बोले भाई, क्या हुआ भाई? हाँ भाई, पता लगाओ कि इस समय रुद्रा कहाँ है। ठीक है भाई। और उस कमीने को घसीट कर मेरे पास लेकर आओ। ठीक है भाई। आज हर हाल में उसे मरना ही होगा। हाँ। चलो तुम लोग, तुम भी चल रहे। चलो आ जाओ। चलो
एक बार बोल दिया ना प्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। देखो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अन्याय ही तो है, प्लीज समझने की कोशिश करो। रुद्रा, 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 प्लीज, प्लीज छोड़ो उसे। अगर पास आए तो जान से मार डालूंगा, समझ गई ना? चलो यहाँ से। चलो। नहीं, रुद्रा। चलो। रुद्रा। आखिर आज तू मेरे हाथ लग ही गया। अब देख, ठीक से देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मुझसे पंगा लिया, मेरे भाइयों को जान से मार दिया, ऐसा करके तूने मुझे पूरे शहर में बदनाम कर दिया। आखिर तू है कौन बे? तेरी मुझसे दुश्मनी क्या है? अगर तू जुबान देता है कि तू मेरे दुश्मन को मारेगा तो मैं तेरी दुश्मन को मारूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, रिवेंज एक्सचेंज स्टोरी। लेकिन यहां पर लल्लप्पा है। लल्लप्पा का नाम सुनते ही समुद्र भी थर्राने लगता है। और तूने मुझसे समझ गई कि तुम ही सही हो। सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स ओके प्रिया।